Hello everyone and welcome to Civil Engineering Funda. Today we are going to discuss about a topic that is type of sedimentation tank. Already hum discuss kar chuke the sedimentation ki theory pe ke bare mein aur CD kaise find karte hain wo sari cheeze. Aaj hum baat karenge types of sedimentation tank. To chale topics patafat se aate hain. Types kitne hote hain sedimentation tank ke pehle hum ye dekhte hain. Theek hai? Ab ye dikh raha aapko. तो सेडिमेंटेशन टैंक आपके दो टाइप के होते हैं. ठीक है, पहला टैंक जो होता है वो होता है फिल एंड ड्रॉ टाइप. कौन सा? फिल एंड ड्रॉ टाइप. और इसी को हम बोलते हैं क्विसेंट. याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्विसेंट टाइप टैंक. ठीक है, क्विसेंट टाइप टैंक. दूसरा जो हमारा टैंक होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप. कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप. ठीक, ये हमारे दो टैंक होते हैं. एक होता है फिल एंड ड्रॉ टाइप और दूसरा होता है हमारे कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक. तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि सेडिमेंटेशन टैंक को हम क्लेरिफायर्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन टैंक. टैंक्स और ऑल्सो नोन एज क्लेरिफायर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? क्लेरिफायर्स. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लेरिफायर्स की डिजाइनिंग से लेके या फिर रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ क्लेरिफायर्स, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है ना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि सेडिमेंटेशन टैंक को भी हम क्या बोलते हैं? क्लेरिफायर्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, मैंने बता दिया कि दो टाइप्स के होते हैं आपके, फिल एंड ड्रॉ टाइप और क्विसेंट टाइप. ठीक है, फिल एंड ड्रॉ को हम क्विसेंट बोलते हैं और दूसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप. ठीक है, अब एक चीज आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कमर्शियल सप्लाई करनी है आपको, ठीक है ना, तो वहां पे कौन सा करते हैं और कौन सा टैंक प्रोवाइड करते हैं? कमर्शियल सप्लाई के लिए कौन सा टैंक प्रोवाइड करेंगे और डोमेस्टिक के लिए कौन सा? ठीक है ना, याद रखना कमर्शियल पर्पस के लिए क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप. कौन सा? कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम जान लें डिटेंशन टाइम क्या होता है. ठीक है, तो देख लेते हैं यहीं पे डिटेंशन टाइम. डिटेंशन टाइम इसके बारे में पहले जान लेते हैं होता क्या है. डीटी से डिनोट करते हैं. ठीक है, डिटेंशन टाइम को किसे डिनोट करते हैं? डीटी से. तो डिटेंशन टाइम है क्या? सपोज अगर मैं एक टैंक बनाता हूं, मैंने एक टैंक बनाया. ठीक है, ये कोई भी टैंक हो सकता है आपका, सेडिमेंटेशन टैंक है. ठीक है ना, अब वाटर यहां से फ्लो किया, मैं वाटर को यहाँ से फ्लो करा रहा हूँ. किस डिस्चार्ज से? डिस्चार्ज के पास क्यू है. ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो क्या है उसका? क्यू. क्यू को हम रेट ऑफ फ्लो भी बोल सकते हैं फिर डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं. ठीक है ना, नेक्स्ट ये जो यहाँ से निकल रहा है सेम डिस्चार्ज क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड से. सपोज करो इस सेडिमेंटेशन टैंक का जो वॉल्यूम है वो क्या है? वी है. कितना है? वी वॉल्यूम आपके मीटर क्यूब में होगा. अब मैं बोलूं ये जो वाटर यहां से जो हम छोड़ रहे हैं, ये जो वाटर आया क्यू डिस्चार्ज से आया, ये कितने समय तक यहां पे रुका होगा? कितने समय तक यहां पर रुका होगा? मीन्स यू हैव टू फाइंड द टाइम, राइट? दैट टाइम इज नोन एज डिटेंशन टाइम. यही वो जो टाइम होता है, यही जो एवरेज टाइम होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डिटेंशन टाइम. नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, ध्यान समझो. हमने क्या कहा? हमें निकालना था कि पानी जो है इस टैंक में कितना समय रुकना चाहिए. ठीक है ना, तो हमने क्या कहा कि चलो ये जिस डिस्चार्ज के हिसाब से हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज और वॉल्यूम के हिसाब से हम उसका टाइम भी क्या करेंगे? निर्धारित कर देंगे. वो कैसे करेंगे? आपको पता है कि डिस्चार्ज जो होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है, वॉल्यूम जो होता है हमारा मीटर क्यूब में होता है. तो अगर मैं टीटी निकालना है क्यू बाई वी कर दूं,
क्या आ जाएगा ये, मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन मीटर क्यूब होगा, तो क्यूब वी से तो नहीं आएगा है ना, इसको आप वी बाई क्यू करो तब तो आ जाएगा। डी टी इज इक्वल टू वी बाई क्यू करके देखते हैं, वी बाई क्यू अगर मैं करता हूँ तो मीटर क्यूब बाई मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, डी टी आ जाएगा। तो हमने यहीं से एक थ्योरेटिकल एवरेज वैल्यू निकाल ली। ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला थ्योरेटिकल एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या है, एक तरह से थ्योरेटिकल एवरेज वैल्यू है, एंड दिस थ्योरेटिकल एवरेज वैल्यू, दिस थ्योरेटिकल एवरेज वैल्यू मतलब एवरेज टाइम फॉर विच वाटर इज रिटेन्ड या वाटर इज डिटेन्ड इन द सेडिमेंटेशन टैंक इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम। ओके, फटाफट से नोट कर लो इसको, अगर आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो, मैं फटाफट लिखवा देता हूँ डिटेंशन टाइम क्या होता है, और ये मैं बताऊंगा आगे कि किस टैंक के लिए कितना डिटेंशन टाइम होना चाहिए, ठीक है। मैं डिटेंशन टाइम लिखवा रहा हूँ, फटाफट से आप नोट करते जाइए साथ में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, द थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल एवरेज, मैं नोट्स तो वैसे प्रोवाइड कर दूंगा, आप नोट्स में लिख लेना, लेकिन आप साथ साथ लिखते जाना ज़्यादा बेटर है। द थ्योरेटिकल एवरेज टाइम फॉर विच वाटर इज डिटेन्ड, वाटर इज डिटेन्ड इन द सेडिमेंटेशन टैंक, इज कॉल्ड डिटेंशन टाइम। ओके, चलो मैं रैप करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने कहा कि जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है वो आपका दो टाइप का होता है, पहला फिल एंड ड्रॉ होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फिल एंड ड्रॉ टाइप, क्या देखते हैं फिल एंड ड्रॉ टाइप क्या होता है, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने फिल एंड ड्रॉ टाइप, ठीक है। तो ये देखते हैं फिल एंड ड्रॉ टाइप क्या है। इन फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, अगर फिल एंड ड्रॉ टाइप, फिल एंड ड्रॉ टाइप का अगर आपने सेडिमेंटेशन टैंक आप यूज कर रहे हो, तो जिस समय ये ऑपरेबल होगा, जिस समय ये सेडिमेंटेशन टैंक जो है ऑपरेबल होगा, ऑपरेट हो रहा होगा, उस समय जितने भी आपके और ट्रीटमेंट यूनिट हैं, जितने भी आपके अदर ट्रीटमेंट यूनिट हैं, वो क्या होंगे, बंद होंगे। मतलब द अदर ट्रीटमेंट यूनिट्स आर नॉट इन फंक्शन, मैं कह रहा हूं जिस समय इन फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक्स द अदर ट्रीटमेंट यूनिट्स आर नॉट इन फंक्शन ड्यूरिंग द डिटेंशन पीरियड ऑफ दिस टैंक, मतलब जितने समय के लिए आप इस टैंक में वाटर को रखोगे डीटी समय के लिए, उस दौरान जो है ये बाकी ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं, जैसे मान लो सेडिमेंटेशन के बाद कोगुलेशन होता है, फिर फ्लॉकुलेशन होता है, फ्लॉकुलेशन के बाद और भी जितने भी ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं वो सब क्या होंगे, बंद होंगे। क्योंकि जब तक भाई सेडिमेंटेशन होगा नहीं, आगे के प्रोसेस बढ़ेंगे नहीं, तब तक पानी इसमें डिटेंशन टाइम के लिए रुकेगा, उतने देर के लिए बाकी सारे यूनिट्स क्या होंगे, बंद रहेंगे, ठीक है ना। ये इसका एक ड्रॉबैक भी मैं बोल सकता हूँ कि डिटेंशन टाइम का, मतलब इस टाइप के डिटेंशन टाइम का ये क्या हो सकता है, एक ड्रॉबैक भी हो सकता है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से, बस इसका हम एक ओवरव्यू ले लेंगे कॉन्टिन्यूअस टाइप का, इसके बाद वाले लेक्चर में डालूंगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने एक लेक्चर डाला था लेकिन उसमें क्लियर व्यू नहीं आया था, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ एक चीज याद रखना आप, कि अगर पूछा जाए कि कॉन्टिन्यूअस टैंक में और फिल एंड ड्रॉट टाइप टैंक में, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टैंक और फिल एंड ड्रॉट टाइप टैंक में किस टैंक को ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो याद रखना कि फिल एंड ड्रॉट टाइप को ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना। फिल एंड ड्रॉट टाइप रिक्वायर्ड लार्ज वॉल्यूम
एज कंपेयर टू, लिख देता हूँ एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस टैंक, ठीक है। ओके ना, एक चीज और रखना कि फिल एंड, एक पॉइंट ये रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये रखना है कि ये स्मॉल स्केल के लिए यूज होता है, स्मॉल स्केल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। फिल एंड ड्रॉ, फटाफट से फिल एंड ड्रॉ टाइप के, तीसरा पॉइंट हो गया, आप नोट कर लीजिएगा इसको। अब डिजाइन कंसिडरेशन लिख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिल एंड ड्रॉ टाइप, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिल एंड ड्रॉ टाइप से, ठीक है ना। तो देखते हैं डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ द फिल एंड ड्रॉ टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, डिजाइन एंड कंसिडरेशन, देखते हैं क्या क्या है। नाउ इट इज डिजाइंड फॉर, पहला पॉइंट फिल एंड ड्रॉ टाइम, इट इज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड। अब मैक्सिमम डेली डिमांड मैंने बताया था कितने, कितना होता है 1.8 क्यू, मीन्स फिल एंड ड्रॉ टाइप को हम 1.8 क्यू के लिए क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड, क्या होता है ये, मैक्सिमम डेली डिमांड। अब आपके दिमाग में पहले से ये चीज़ होनी चाहिए, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब मैं ऐसे 1.8 क्यू लिखूँ तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम डेली डिमांड की, ठीक है ना। वैसे आप कमेंट कमेंट करके बताएंगे 2.7 क्यू क्या है, और वन बस आप 2.7 क्यू बताइए क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड जो है इसका डिटेंशन टाइम कितना रखते हैं, मतलब फिल एंड ड्रॉ टाइप का डिटेंशन टैंक जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, एटलीस्ट 20 to 24 hours होता है। सोचिए एक दिन लगभग लग जाता है डिटेंशन टाइम में, और एक दिन तक कोई भी अदर जो जो यूनिट्स है, ठीक है ना, वो काम नहीं करती हैं, मतलब ना तो फ्रॉकुलेशन होगा ना कोगुलेशन होगा, यानी काफ़ी स्लो प्रोसेस हो गया एक तरह से देखा जाए तो। काफ़ी स्लो प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्वियस ही बात हो रहा है, और इसको क्लीन करने की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो जब इसका पीरियड ऑफ क्लीनिंग होता है वो कितना होना चाहिए, तो पीरियड ऑफ क्लीनिंग इसका होता है 8 से 12 घंटे, कितना 8 से 12 आर, ये लिख लेना 8 से 12 आर। अब ये चीज तो ठीक है, लेकिन एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कितने मिनिमम टैंक की जरूरत होती है, तो एज पर जी वाई मिनिमम नंबर ऑफ टैंक है 3, मिनिमम 3 टैंक्स तो हमें देने ही देना है, मिनिमम 3 टैंक्स आर प्रोवाइडेड। ओके, अब क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस फ्लो टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट।